भाई दूज करती है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और ये हमारा गेटअप नहीं है, अभी धूप है इसीलिए हम लोग को ये सब कवर करके जाना पड़ रहा है, इसीलिए उसको हम कवर कर रहे हैं ऐसे। बहुत धूप है गाइस रियली। बाकी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, गाड़ी पे हूँ और धूप भी बहुत है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, चीनी भी खराब हो जाएगी। तो चलो मैं आगे आप लोगों को बताती, ये हमारा गेटअप नहीं है, आगे का मैं आप लोगों को बताती कि हम लोग ने क्या मेकअप किया है, क्या कपड़े पहने। जो हम लोगों ने गेटअप किया है ये धूल मट्टी धूप से बचने के लिए किया है। असली जो है वो मैं आप लोगों को दीदी के घर पे जाके बताऊंगी, फिलहाल तो नहीं बता सकती कि हमें कवर करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ बताना इस गेटअप में। चीनी इकड़े बम, ये हमारा नया रूप है और आज भाई दूज है, इसका ये गेटअप है, बट ये नकली गेटअप है। असली आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, है ना। लक्ष्मी पूजन के दिन कितनी मस्ती लड़ी हुई थी ना मैं। चलो आज बताती हूँ असली। अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मिठाई लेने, मिठाई नहीं थी तो मैं मिठाई लेने जा रही हूँ। मैंने मिठाई ले ली है, जीविका और स्वीटी आगे गए हैं, तो बहुत गर्म हो रहा था तो मैंने बोला जाओ तुम लोग पहले घर जाओ, तो मिठाई लेके आती हूँ। गाइस बाहर बहुत धूप है यार, रियली ठंडी का मौसम लग ही नहीं रहा है। अब मैं दीदी की बिल्डिंग में आई हूँ। हम लोग इस बार जल्दी आ गए, मतलब दोपहर के टाइम, बिकॉज हम लोग को शाम को निकलना है, दादा को मुझे भाई दूज करना है, तो इसीलिए हम लोग आज इस बार जल्दी आए ताकि हम लोग जल्दी निकल जाए। और फिर शाम को दादा काम से आएंगे, वो टैक्सी चलाते हैं, तो फिर मैं उनको भाई दूज करूँगी ना, ऐसे रेडी हुई। और ये मेरी चूड़ी भी देखो कितनी प्यारी है, ये मेरा ड्रेस है आज का, लाइट पिंक कलर लिया है, हल्का है और अच्छा लगा मुझे। यार लिफ्ट क्यों नहीं आ रही, आ रही आ रही है, अरे मेरे ना अभी जैसे जख्म हुआ है, देखो बहुत दर्द हो रहा है, मुंह आ गया मुंह, ये हालत देखो। ओह गॉड बहुत गर्म हो रहा था रियली गाइस, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। आप भी ना शाम के वक्त निकलना, धूप के वक्त नहीं जाना। क्या बोल रहे हैं यार, मेरे भगवान मेरी ओट को कहा जा रहा है। ये दीदी क्या, मेरे दीदी का घर है। वाओ ये माला बन रहा, वाओ ये पर मस्त सजोले है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग भाई दूज के लिए आए हैं और यहाँ पे देखो ये भाई सो गया है देखो, और ये एक अतरंगी भाई, ये तो सबसे बड़ा अतरंगी है, ये तो ठीक है। देखो ताई का घर मेरे बहुत प्यारा है, उसने देखो कितना मस्त सजाया है ना, सब जगह मतलब लाइटिंग फ्लावर्स सो ब्यूटीफुल। हाँ वो तो पता है, और ये भी बहुत प्यारा उसने रेडी किया है, और दिखाती आज और दरवाजे पे देखो कितना सुंदर घर रेडी किया उसने। यहाँ पे देखो वो रंगोली बहुत अच्छी निकालती है, इसका ये जो पैसेज है ना बहुत प्यारा लग रहा है, सी वाओ ब्यूटीफुल, सी गाइस वाओ ये खूब सुंदर है घर, सो ब्यूटीफुल यार रियली। तुझा जवाब नहीं है तो कुठे ना कुठे तरी शोधन काढतच असते, छान केले वेरी नाइस। तो गाइस ये मेरी दीदी है और इसी ने ये सब
कितनी प्यारी है। और ये ताई का ये इतना बड़ा पैसेज है, बहुत प्यार। और ये देखो ना मेरे ना मुंह को क्या हुआ है। चलो दीदी बुलाई। तो मेरी दीदी ने इतने सारे ये फराल बनाए हैं और बहुत टेस्टी है। करंजी, लड्डू और ये सब घर में बनाया उसने, बहुत टेस्टी है। हाँ वो बार बार बोल रही है पीछे से, सात पदराची करंजी है, सात पदराची करंजी है। और ये देखो बुक्कड़, जीविका और स्वीटी दिवेश और विघ्नेश को भाई दूज करेंगे और फिर खाना पीना खा के हम लोग फिर निकल जाएंगे और फिर मैं दादा को भाई दूज करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलिए, बहुत प्यारा वीडियो है और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा घर भी पसंद आया, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लक्ष्मी पूजन भी मैंने बहुत अच्छी की है, मेरा ड्रेस भी आप लोगों को अच्छा लगा, मैं भी आप लोगों को अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच, जो पिछले का जो वीडियो था, जो ब्लॉग था, वो आप लोगों को मेरा पसंद आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। तो चलो अभी हम लोग लंच करते हैं, उसके बाद फिर जो भी हो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। मैं बचपन से उसको राखी और भाई दूज करती हूँ। जब हम मैं झोपड़पट्टी में रहती थी तो है ना हम लोग बाजू बाजू में रहते थे, तो जो लड़का था उनका नाम याकूब शेख है, तो मुझे बार बार बोलता था दीदी आज आपका यहाँ कौन सा त्यौहार है, मैं बोला रक्षाबंधन। और उसकी मम्मी भी बोली थी और वो भी बोला था दीदी मुझे प्लीज़ राखी बांधो ना, तो उसकी मम्मी बोली थी कि जब आप लोगों को एक दूसरे को अच्छा रिलेशन रखना है तो अभी से लेके मतलब बचपन से लेके एंड तक जब तक हम लोग जिंदा है तब तक मुझे उसको राखी बांधना पड़ेगा या भाई दूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ पक्का मैं ये सब करूँगी। तो अभी तक वो हमारा रिश्ता चल रहा है और बहुत प्यारा चल रहा है। तो ये सब जात पात मैं नहीं मानती, बस हमारा जो रिलेशन है वो दिल से है। तो मैं कोई भी त्यौहार हो, रक्षाबंधन, भाई दूज, कोई भी मतलब दिवाली हो तो हम लोग उनके घर पे जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, पटाखे लेके जाते हैं, उनके बच्चों के लिए कपड़े भी लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है। वो लोग भी ईद के टाइम हमें खीर देते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ भी देते हैं, तो हम लोग एक साथ बहुत अच्छे त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसा हम लोग का रिश्ता। गाइस तो अभी जस्ट मैं ताई के यहाँ से आई हूँ और अब मैं जाऊंगी दादा के पास और वहां पे जाके मैं भाव बीज करूंगी, क्योंकि ताई के पास बहुत टाइम पास हो गया था, बहुत मजा किया हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं दादा के पास, वहां पे जाके मैं भाव बीज करूंगी और सोच रही हूँ कि यही ड्रेस पहन लेती हूँ, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे नया ड्रेस कंटाल आ गया है, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ ठीक है, और फिर ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, यही ड्रेस पे मैं जाऊंगी और थोड़ा मैं फ्रेश हो जाती हूँ ठीक है। तो चलो गाइस अभी जस्ट मैं फ्रेश हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रेस मैंने वही पहना है, अच्छा लग रहा है मेरा ड्रेस सच में। बस मैं थोड़ा मुंह धो लिया है, पाउडर लगा लिया है और भी अच्छा लग रहा है और बेल आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि दादा वेट कर रहे हैं हमारे। तो चलो मैं कैसे भाव बीज करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो। दादा के पास से आई और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हम लोग ने एक साथ खाना खाया और भाई दूज बहुत ही अच्छा हो गया है। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग जो कि भाई दूज के ऊपर था, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। इस साल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही हम लोग का रिलेशन है, ऐसे ही हमारा रिश्ता है। आप लोग को हमारा रिश्ता कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताना।
और भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, चिकन बनाया था बट मैं नहीं खाती, मैं वेज खाना खाई तो उन्होंने दाल चावल बनाया था तो मैंने खा लिया। और फिर मेरे दादा है, उनसे मैं उनकी मम्मी से भी मिली और उन्होंने भी ढेर सारे मुझे आशीर्वाद दिए, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं ज्यादा जाती नहीं, इस साल में एक ही बार जाती हूँ उनके घर, रक्षाबंधन के टाइम और भाई दूज के टाइम, बाकी मैं नहीं जाती उनके घर पे। और कभी कुछ भी कुछ फंक्शन होगा या कुछ शादी या कुछ भी होगा उनका त्योहार या ईद में भी जाती हूँ मैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा भाई दूज का जो भी रिलेशन है आप लोग को कैसा लगा और ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।